इसमें क्या क्या नया फीचर्स अभी देखने को मिल रहा है मैम? अभी जो 23 मॉडल हमारे यहाँ आ रही है उसमें 4 फीचर्स अभी अपडेट हुई है। इसका जो बेस मॉडल होने वाला है RXE, अगर आप चाहते हो RXL मॉडल लेना 825,894 रुपीस, RXT मॉडल लेते हैं 888,081 रुपीस। इसमें आपको 20,000 से लेके 50,000 का आपको ऑफर मिल सकता है, आपको एक्सचेंज ऑफर मिलेगा, आपको अगर आप कॉर्पोरेट पे हैं तो कॉर्पोरेट आपको डिस्काउंट मिलेगा, काफी सारे ऑफर्स हैं। बट अगर जो कमर्शियल लेना चाहेंगे, कमर्शियल नंबर प्लेट चाहते हैं, जो कमर्शियल यूज करना, तो पहले हम लोग बात करें कि इसमें आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं रेनॉल्ट के शोरूम में और सामने आप लोग देख सकते हो 7 सीटर हमारी रेनॉल्ट की ट्राइवर लगी हुई है। और अभी जो है हम लोग इसकी फुल फाइनेंस डिटेल्स हम लोग करने वाले हैं कवर, और साथ ही साथ जो है इसमें नया नया क्या फीचर्स हैं, फ्रंट एक्सटीरियर इंटीरियर पूरा हम लोग बात करने वाले हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या होने वाला है उसकी भी बात करेंगे, और इंटीरियर में जो आपको क्या क्या मिलने वाला है उसकी भी बात करेंगे बेस से लेकर टॉप तक। तो चैनल के साथ बने रहो, अगर आप स्किप करते हो तो काफी कुछ मिस कर जाओगे। तो चलो हम लोग इसका फाइनेंस डिटेल्स करते हैं कवर। अभी जो है ये हमारी टॉप मॉडल लगी हुई है ड्राइवर की, इसकी मॉडल आपको होगी RXZ। तो ये हमारा मैनुअल मॉडल है, इसमें आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में ही मिलने वाली है। तो फिलहाल जो हम लोग इसकी बात करते हैं एक शोरूम प्राइस बिहार पटना में, तो बिहार पटना में जो हमारा एक शोरूम प्राइस होने वाला है ड्राइवर का, तो ये आपको होने वाला है 8,22,500 रुपीज़। और अगर हम लोग बात करें कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या होगा बिहार पटना में, तो इसका बिहार पटना में जो आपका ऑन रोड प्राइस होने वाला है वो आपको होगा 9,58,163 रुपीज़। जी हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका फर्स्ट डाउन पेमेंट आपको क्या होने वाला है। इसका फर्स्ट डाउन पेमेंट जो होगा वो आपको 1.5 लाख का होने वाला है, 1,50,000। तो अगर आप 1,50,000 की डाउन पेमेंट करते हैं तो इसका जो आपका EMI जाएगा 3 ईयर्स के लिए वो आपको होने वाला है 25,695 रुपीज़। और अगर बात करें 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में जो इसका EMI जाएगा वो होने वाला है 16,772 रुपीज़। और अगर बात करें कि इसका 7 ईयर्स में EMI क्या जाने वाला है, तो 7 ईयर्स में जो इसका EMI होगा वो आपको होने वाला है 12,998 रुपीज़। जी हाँ, तो चलिए ये तो आपका हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे भी बात करेंगे कि इसका जो और बेस मॉडल है उसका क्या प्राइस होने वाला है, वो सब आगे करेंगे, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात कर लें कि इसका जो सेकंड डाउन पेमेंट है वो आपको होने वाला है 3 लाख की। तो अगर आप 3 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं हमारे इस ड्राइवर पे 7 सीटर पे, तो इसका जो EMI जाएगा आपको 3 ईयर्स के लिए वो होने वाला है आपको 20,926 रुपीज़। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में जो इसका EMI जाएगा वो होने वाला है 13,659। और अगर बात करते हैं कि इसका 7 ईयर्स में EMI क्या जाएगा, तो 7 ईयर्स में जो इसका EMI जाएगा वो होने वाला है 10,585 रुपीज़। ये जो मैंने आपको अभी डाउन पेमेंट और EMI बताया, ये आपका प्राइवेट नंबर के लिए है, प्राइवेट जो गाड़ी लेना चाहते हैं उनके लिए है, मतलब बेसिकली सभी लोगों के लिए ये चीज़ है। बट अगर जो कमर्शियल लेना चाहेंगे, कमर्शियल नंबर प्लेट चाहते हैं, जो कमर्शियल यूज करना चाहते हैं गाड़ी को, वो भी ले सकते हैं। उनके लिए जो है डाउन पेमेंट जो होगा वो आपको अप्रॉक्स 50,000 की डाउन पेमेंट बढ़ जाएगी, और EMI में थोड़ा सा आपका डिफर आएगा। बट अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होगा मेरे को इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। और अगर ज़्यादा अगर क्वेरी होगा तो आप जो है हमारे एग्जीक्यूटिव से कॉन्टैक्ट कर लेना, एग्जीक्यूटिव हमारे क्लियर कर देंगे, वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ आगे, और शोरूम डिटेल्स भी जो है आगे अवेलेबल हम लोग कराते हैं। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन और बुकिंग अमाउंट हम लोग क्लियर करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें आपका ऑफर भी है। मतलब अगर आप इसको अभी फेस्टिवल में लेना चाहते हैं, अभी हमारा जो दुर्गा पूजा आया हुआ है दशहरा, तो इसमें अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑफर भी मिलने वाला है। इसमें आपको 20,000 से लेके 50,000 का आपको ऑफर मिल सकता है आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 20,000 का तो आपको डिस्काउंट मिलना ही है इस फेस्टिवल ऑफर में ड्राइवर पे, बट आपको 50,000 तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है, आपको एक्सचेंज ऑफर मिलेगा, आपको अगर आप कॉर्पोरेट पे हैं तो कॉर्पोरेट आपको डिस्काउंट मिलेगा, काफ़ी सारे ऑफर्स हैं। आप हमारे एग्जीक्यूटिव से कॉन्टैक्ट करना, वो आपको सारा डिटेल्स दे देंगे। तो इसका जो बुकिंग अमाउंट होगा हमारे ड्राइवर का 11,000 से होने वाला है, आप इसको बुक कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है इसका बुकिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है वो मैं बता दूँ, तो इसका जो बुकिंग डॉक्यूमेंट्स होगा आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देना, आपको बुक हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, सबसे बड़ा बात आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है आपको इसको बाय करने के लिए। तो इसको बाय करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, प्रोफाइलिंग में बता दो पहले। सबसे प्रोफाइलिंग 3 तरह के होंगे, सबसे पहला होगा गवर्नमेंट प्रोफाइल, सेकंड होगा आपका बिजनेस प्रोफाइल, और थर्ड नंबर आपका होने वाला है NIP, यानी कि नॉन इनकम प्रूफ। जिनके पास नॉन इनकम प्रूफ है, कमर्शियल नंबर भी वो ले सकते हैं NIP वाले। तो आपका प्रोफाइल जो है, सबसे पहला आपको गवर्नमेंट प्रोफाइल शो कर रहा है स्क्रीन पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद आपको सेकंड शो कर रहा है बिजनेस प्रोफाइल, और थर्ड पे आपको शो कर रहा है NIP। तो तीनों का आपको प्रोफाइलिंग शो कर रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका जो बेस मॉडल होने वाला है RXE,
जो हमारी रेनॉल्ट ट्राइबर RXE होगी उसकी प्राइसिंग क्या होगी ऑन रोड बिहार पटना में, तो वो आपको होने वाली है 7,44,482 रुपीस। जी हाँ, अगर बात करें कि इससे एक ऊपर मॉडल जाते हैं, अगर आप चाहते हो RXL मॉडल लेना जो कि हमारा सेकंड बेस मॉडल है, वो आप लेना चाहते हैं, तो उसकी प्राइसिंग आपको होने वाली है 8,25,894 रुपीस। और अगर आप RXT मॉडल लेते हैं, उससे ऊपर मॉडल यानी कि सेकंड टॉप मॉडल आप लेते हो, तो वो आपको होने वाली है 8,88,081 रुपीस। जो मैंने आपको फाइनेंस डिटेल्स बताया है वो आपको टॉप मॉडल का है, मैनुअल का ये सारा डिटेल्स मैंने आपको मैनुअल का दिया है। अगर आप ऑटोमेटिक में लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक का भी आपको प्राइस लिस्ट मिल जाएगा और मैनुअल का भी मिल जाएगा, जाइए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल्स मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है आपको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपको 8.992-10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू योर सिविल और अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। तो आप एक बार सिविल और आपका जो प्रोफाइल है आप चेक करवा लेना हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उनसे, वो आपको प्रॉपर वे में बता देंगे। और आपका जो डॉक्यूमेंट है आपका जो डाउन पेमेंट होगा वो आपको बजट के अनुसार भी आपको सजेस्ट कर देंगे। तो अगर आप 1.5 लाख की डाउन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, 3 लाख की डाउन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं डाउन पेमेंट, तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव को बताना, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। इनफैक्ट वो आपको ये भी सजेस्ट कर देंगे आपको ट्राइबर पे जाना चाहिए या रेनॉल्ट के किसी और मॉडल पे आपको स्विच करना चाहिए, वो भी आपको सजेस्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में और इसके लुक के बारे में सब। ओके गाइस, तो सामने आप देख सकते हैं हमारे साथ अंजलि मैम अवेलेबल हैं और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। उससे पहले जो है इसमें क्या नया अपडेट आया है उसकी हम लोग बात कर लें कि जो हमारा रेनॉल्ट का ड्राइवर है। तो मैम, ये जो हमारी मॉडल है ये हमारी टॉप मॉडल लगी हुई है, तो सबसे पहले ये कितनी सीसी की हमारी आने वाली है ड्राइवर? 8,000 CC है सर। 1,000 CC की है जी। और 7-सीटर मॉडल हमारी है ड्राइवर, टॉप मॉडल है 7-सीटर। ओके मैम, जो हमारी ये 2023 मॉडल है तो इसमें क्या क्या नया फीचर्स अभी देखने को मिल रहा है मैम? अभी जो 23 मॉडल हमारे यहाँ आ रही है उसमें 4 फीचर्स अभी अपडेट हुई है, जैसे आपका हिल असिस्ट है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ट्रैक्शन कंट्रोल और ESP के 4 सेफ्टी फीचर्स एड ऑन किया गया है इसमें। इसकी लेंथ कितनी होने वाली है? अराउंड 13 आसपास इसकी लेंथ है, 13.1 फीट के अप्रॉक्स। इसकी जो व्हील बेस होगी वो कितनी होने वाली है? अराउंड 36 है सर। ओके मैम, जैसे तो फ्रंट इसका लुक है, हेडलैम्प आने वाला है, वो आपका मतलब व्हाइट लैम्प होगा या फिर येलो लैम्प होने वाला है? ये आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प व्हाइट में ही। व्हाइट। तो इसकी जो हमारी व्हील है तो इसका अलॉय व्हील मैम क्या इसका साइज होने वाला है? अलॉय व्हील ये 15 इंच आती है सर। बाकी के जो वेरिएंट्स इसमें है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्राइबर 4 वेरिएंट्स में आती है, RXE, RXL, RXT एंड RXZ। RXZ जो हमारा है वो टॉप मॉडल, जिसमें आपको 15 इंच की टायर साइज मिल जाती है, एंड बाकी के जो 3 वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 14 इंच की टायर साइज, व्हील साइज आपकी है। बेस मॉडल में आपको नॉर्मल आने वाला है, उसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह तो नहीं आएगा मैम? नहीं नहीं, उसमें नहीं, बेस मॉडल में नहीं आएगा, बेस मॉडल में नहीं मैम। जैसे कि अभी मैंने अपने व्यूअर्स को हमारे बताया कि हमारे पास जो अभी ऑफर्स अवेलेबल है 20,000 से लेकर 50,000 तक का, तो मैम 20,000 तो सभी के लिए है जी बिल्कुल, और बाकी जो हमारे एक्सचेंज वगैरह होगा और जो कॉर्पोरेट्स होंगे उनको मिलने वाला है। तो क्या मैम बेस मॉडल में ये मिलेगा हमें? नहीं, बेस में आपको डिस्काउंट ऑफर्स नहीं रहते। अच्छा, बेस में नहीं रहेगा, तो मैम किस में ये हमारा ऑफर्स मिल जाएगा? सेकंड बेस से आपका टॉप मॉडल तक आपको सारे मतलब कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स, कंज्यूमर ऑफर्स सारा मिलने वाला है। मतलब 20,000 का डिस्काउंट आपको इस दशहरे में मिलने वाला है, इसके लिए आप निश्चिंत रहो, बेस मॉडल से ऊपर लो, क्योंकि बेस मॉडल में वैसे म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला है। रूफ रेल सभी में आने वाली है? ये बेस मॉडल में नहीं आएगी, बेस मॉडल में नहीं आएगी, टॉप सेकंड टॉप लेंगे तो उसमें आपको मिलने वाली है। मैम सारा चीज़ें तो हम लोग क्लियर कर लिया, इसका क्या लुक होने वाला है, इसके फाइनेंस डिटेल्स क्या होने वाली, सारी चीज़ मैंने हमारे व्यूअर्स को अवेलेबल करा दिया डिटेल्स, बट आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमें बता दीजिए और हमारा सबसे पहले शोरूम का एड्रेस क्या होने वाला है और शोरूम का नेम क्या होने वाला है वो बता दीजिए। हमारा शोरूम रेनॉल्ट पटना साउथ अनिशाबाद बेउर मोड़ के पास है। ओके जी, आपका मैम अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट, जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, इनफैक्ट जो भी उनका क्वेरी होगा, इनफैक्ट डाउन पेमेंट से लेके या फिर कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आप सजेस्ट भी कर पाएँ, तो कहाँ पर हमारा मैम होने? मेरा नाम अंशी हुआ, माई सेल्फ अंशी, एंड मेरा नंबर जो है 7488-7921। तो जो भी शोरूम डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है और साथ ही साथ जो अंजलि मैम का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, जाइए और कॉन्टैक्ट कीजिए। और स्पेशल थैंक्स टू रेनॉल्ट पटना जिन्होंने हमें ये शोरूम में अभी अवेलेबल कराया हमारी ड्राइवर को वीडियो बनाने के लिए, तो इससे आपको काफ़ी डिटेल्स आपको मिला होगा, काफ़ी आपको जो भी क्वेरी होगा क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट अगर ज़्यादा अगर क्वेरी अगर अभी भी रह गया है तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है और साथ ही साथ जो है मैम का कांटेक्ट डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो जाइए और कांटेक्ट कीजिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं इसका फ्रंट लुक दिखा दूँ, कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है हमारे रेनॉल्ट ट्राइवर टॉप मॉडल की, फ्रंट लुक कुछ इस तरह की होने वाली है। और यहाँ आप देख सकते हो इसमें जो आपका हेडलैम्प आने वाला है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प आने वाला है जैसे कि अभी मैम ने बताया। और डाउन से हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको
फॉग लैंप बोले या फिर आपको नॉर्मल लाइट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्रोमिंग किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा लुक है। और मिडिल में आप देख सकते हो, मिडिल में जो हमारे रेनॉल्ट का यहाँ पे आपको लोगो मिलता है, फ्रंट लुक देख सकते हो ऐसे कुछ इस तरह का लुक होने वाला है। और इसके हम लोग साइड लुक की बात करें तो साइड लुक तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको साइड लुक मिलने वाला है। और हम यहाँ पे डाउन साइड शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे आप इसका अलाइवल देख सकते हो, अलाइवल जो है आपको मार्किंग दिख जाएगा जो 185/65 रेडियल 15 यानी 15 इंच का आपको इसमें आपको अलाइवल मिलने वाली है। सिल्वर में आपको इसका अलाइवल है और साथ ही साथ जो है मिडिल में आप देख सकते हो रेनॉल्ट की लोगो मिलती है, साथ ही साथ जो है पूरा आपको क्रोम वर्क है। और हम लोग शिफ्ट होते हैं अगर लेफ्ट साइड तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो हमारा ORBM है, ORBM जो आपको ग्लॉसी ब्लैक में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ जो इसका इंडिकेटर होगा वो आपको ORBM पे ही मिलने वाला है। बेस मॉडल्स में जाएंगे तो बेस मॉडल में आपको बॉडी पे इंडिकेटर मिलेगा। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं टॉप मॉडल जैसी हमारी लगी हुई है तो यहाँ पे आपको क्रोम में हैंडल बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको जो है रूफ रेल मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी इसमें आपको लुक मिल जाती है। बेस मॉडल्स में आपको रूफ रेल नहीं मिलने वाला है। और हम लोग इसकी रियर साइड की बात करें तो ओवरऑल लुक देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको लुक मिलेगा। रेयर वाइपर, डिफॉगर और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको वॉशर मिलने वाला है, यहाँ पे आपको टेल लाइट हो गया। और यहाँ पे हम लोग डाउन साइड शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको रेनॉल्ट की लोगो मिलती है डाउन साइड में और उससे जस्ट नीचे हमारा यहाँ पे ड्राइवर का बैचिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनॉल्ट की यहाँ पे आपको मार्किंग मिल जाती है कुछ इस तरह का जो है आपको रेयर लुक होने वाला है। यहाँ पे आपको जो है इसमें सेंसर की बात करें तो सेंसर आपको 3 मिलने वाला है, 1, 2 एंड 3। टेललाइट की बात करें तो टेललाइट भी आप देख सकते हो इसमें आपको हाइलोजन में टेललाइट आपको देखने को मिलेगा तो ये भी काफ़ी अच्छी लुक है। लुक वाइज अगर बात करें, अगर जैसी इसकी प्राइसिंग है अगर प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ मैं मिस कर गया जो कि इसका आप देख सकते हो रियर साइड में जो आपको कैमरा मिलने वाला है तो रियर पार्किंग कैमरा कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं इंटीरियर में तो ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको जो है कुछ इस तरह का आपको डोर मिलने वाला है और ये आप देख सकते हो लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे आपको इस तरह का आपको मिलने वाला है जो कि हमारी एंटीक गाड़ियों में होती है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ORBM कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे से आप ORBM को कंट्रोल कर सकते हैं, जॉयस्टिक इस तरह से आप यूज करके उसको कंट्रोल कर सकते हो राइट एंड लेफ्ट करके। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आपको विंडो कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल है कुछ इस तरह का आपको होने वाला है। यहाँ पे आपको मिडिल में रेनॉल्ट की बैचिंग मिल जाती है और इसका आप देख सकते हो ये हमारा टॉप मॉडल है और यहाँ पे आपको इसमें क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन नहीं मिलती है। ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा बट चलो ठीक है, बट अगर बजट के अनुसार बात करें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9,58,000 में और क्या अच्छी है, आप लोगों को ऊपर से 7 सीटर मिल रही है टॉप मॉडल तो काफ़ी अच्छी है। अगर एयर बैग की बात करें तो यहाँ पर मिल सकते हो एक एयर बैग यहाँ पर आपको मिलने वाला है, दूसरा एयर बैग आपको इस जगह पर मिलने वाला है डैशबोर्ड पर। और बाकी यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इसका मीटर कंसोल है, रेनॉल्ट की आपको यहाँ पे मार्किंग मिल जाती है और यही आपको कुछ इस तरह का आपको लुक होने वाला है। यहाँ पे आपको कॉल रिजेक्ट करने के लिए और यहाँ से म्यूट करने के लिए है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए और स्क्रॉल करने के लिए कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। ओके, अभी लो टाइप की है तो यहाँ पे अभी इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग इंटीरियर में बात करें कि इंटीरियर में आपको क्या क्या मिलने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है माइक मिलने वाला है और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाता है कुछ इस तरह का। यहाँ पे आपको ORBM मिल जाएगा जो कि हमारा मैनुअल है, ये कुछ इस तरह का लुक होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको लुकिंग ग्लास मिल जाता है, काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है होल्ड करने के लिए। अगर सीट की बात करें कंफर्ट वाइज तो कंफर्ट सीट काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। बट अगर इसकी लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा इसमें आपको मिलने वाला है, अभी मैंने पीछे किया है तो अगर हम इसको आगे करते हैं फिर भी इसमें आपको देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें आपको लेग स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा जो कि आपका ये हमारा मैनुअल मॉडल है, इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का। म्यूजिक सिस्टम जो आपको देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे AC देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको AC मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में जो आपको 4 AC वेंट मिलने वाला है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 AC वेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको अगर बात करें स्पेस की तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूटिलिटी बॉक्स जो हमारी है काफ़ी अच्छी इसमें आपको स्पेस मिल जाती है। और ये हमारा जो है कूल ग्लो बॉक्स नहीं है तो ये हमारा नॉर्मल ग्लो बॉक्स आने वाला है। और बाकी अगर हम बात करें कि इसमें स्पेस और कुछ मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ग्लास होल्डर आपको यहाँ मिलता है, यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ जो है 3.5mm जैक मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको रियर प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको AC वेंट देखने को मिल रहा है, एक आपका यहाँ हो गया और सेकंड वाला हमारे यहाँ इस साइड मिलने वाला है AC वेंट। तो कुछ इस तरह का आपको रियर से आप देख सकते हो, रियर से हमारा जो कैबिन है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा तो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो
इसमें लेकिन आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है फ्रंट में, बट रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाला है दोनों। अगर बात करें मिडिल में, तो मिडिल में आपको कोई भी आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है। प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 70/30 का आपको रेशियो है कुछ इस तरह का, तो आपको 70/30 के रेशियो में आपको ओपन हो जाएगी। और रेयर में आपको जो है वो भी हमारा 50/50 है, वो आपको 50/50 के रेशियो में आपको फोल्ड हो जाएगी। रेयर जो हमारा सीट है वो भी आपको जो है हेडरेस्ट जो आपका एडजस्टेबल मिलने वाला है। तो रेयर प्रोफाइल जो है मैं बताता हूँ किस तरह का है। सबसे पहले यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं और हम लोग इसको लॉक करते हैं पहले। तो हमारा सीट जो है पूरा का पूरा पीछे किया हुआ है। और लेग स्पेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा लेग स्पेस इतना आपको नहीं मिलने वाला है, नॉर्मल है। अगर मेरे जैसे लोग होंगे तो आप ऑब्वियसली आराम से बैठ जाएंगे, मैं अगर थोड़ी से हेल्दी लोग होंगे तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर सीट की बात करें तो सीट बहुत कम्फर्टेबल है, नो डाउट सीट बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक हैंडरेस्ट मिल जाता है, अगर नॉर्मल बात करें छोटे से हैंडरेस्ट यहाँ मिलती है और एक आपको हैंडरेस्ट यहाँ मिलने वाला है। चार्जिंग पोर्ट का मैंने बता ही दिया, चार्जिंग पोर्ट इसमें आपको 12 वोल्ट का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा रेयर में भी। और यहाँ पे भी आपको हैंडल मिल जाता है होल्ड करने के लिए, और यहाँ भी देख सकते हो हैंडल होल्ड करने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था कि रेयर साइड में भी जो है आपका यहाँ पे एसी वेंट दे रहा है। तो कुछ इस तरह का आपको एसी वेंट मिलने वाला है और प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। यहाँ देख सकते हो रेयर साइड से भी कुछ इस तरह का आपको लुक मिलने वाला है। ओवरऑल मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। ओके गाइस, तो जो भी क्वेरी होगा आई होप क्लियर हो गया होगा। और जिसका लुक है कुछ इस तरह का आप देख सकते हो, कैसा लगा आप लोगों को इंटीरियर इसका, और इसका जो एक्सटीरियर था आप लोगों को कैसा लगा, इसका ओवरऑल लुक आप बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है। और बाकी जो है इसका शोरूम डिटेल्स और एग्जीक्यूटिव का नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मिलते हैं हम लोग किसी ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, राइड सेफ।